हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन रोगन जोश की रेसिपी, जो एक फेमस कश्मीरी डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मटन रोगन जोश बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर में लिया है 1 किलो मटन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी, 3 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 1 फूल। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 600 ml पानी, यानी कि हमने यहाँ पर 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे और इसकी लीड को खोल लेंगे और मटन को पानी में से निकाल लेंगे। लेकिन इस पानी को हमने फेंकना नहीं है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमने पैन में 1/2 कप तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज। हमने जो फ्राई की हुई प्याज ली है उसको मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। प्याज को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्राई की हुई प्याज ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मसालों को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम दही। दही डालने के बाद हमें दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे कुछ देर तक और पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर मसालों को दही के साथ पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मटन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर मसालों के साथ मटन को अच्छे से पकने देंगे और बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। मटन को मसालों के साथ लो फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है, इसे एक बार चेक कर लेंगे। कश्मीरी मटन रोगन जोश को एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें रतन जोक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने उसे स्किप किया है क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये वही पानी है जिसमें हमने मटन को बॉईल किया था। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें ढक कर 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। पानी डालने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पका लिया है। ये देखिए, हमने इसमें रतन जोग का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी इसमें बढ़िया सा कलर आया है क्योंकि हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर और इसे हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारा कश्मीरी मटन रोगन जोश बनकर बिल्कुल तैयार है। मटन रोगन जोश की एक खूबी यह है कि जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसका जो रोगन होता है यानी कि इसकी जो तरी होती है वो इस तरह से ऊपर आने लगती है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ ऐसा रखना है।
देखा आपने इसका कलर कितना शानदार है और इसकी खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है कश्मीरी मटन रोगन जोश। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।